उग्रपुर हिंसा मामले को लेकर विपक्ष ने सड़क से लेकर संसद तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। संसद के मॉनसून सत्र को शुरू हुए 6 दिन हो चुके हैं और हर रोज सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है और इस बार कांग्रेस और बीआरएस की तरफ से इसी मामले को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। बावजूद इसके जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आखिर विपक्ष की प्लानिंग क्या है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर वो चर्चा करनी है। जिस मुद्दे पर पीएम मोदी ने देश को दिशा दिखाई, जिस मुद्दे पर पूरा देश शर्मसार हो गया, उस घटना पर तत्काल एक्शन भी हुआ। वहीं शर्मनाक कांड पर भी विपक्ष सियासत करने से बाज नहीं आया। यहां तक कि सिर्फ सियासी जिद में विपक्ष ने अब सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, जबकि सरकार दोनों सदनों में चर्चा के लिए सत्र के पहले दिन से ही तैयार है। अमित शाह ने एक दिन पहले ही कहा कि मणिपुर पर सरकार चर्चा को तैयार है। मणिपुर मुद्दा बेहद संवेदनशील है, लेकिन विपक्षी दल चर्चा से भाग रहे हैं और 6 दिनों से सदन की कार्यवाही को स्थगित होने को मजबूर करने वाले विपक्षी नेता संसद में संख्या बल कम होने के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं, जिसे मंजूर भी कर लिया गया है। आई एम एस्टोनिश्ड टू हियर अ मेंबर ऑफ दिस हाउस कॉल अदर मेंबर्स ऑफ दिस हाउस धोखेबाज। रवि जी, आज विपक्ष वो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया है मोदी सरकार के, उनको पता चल गया कि मोदी जी जीत रहे हैं 24 में। ये सब ड्रामे हैं, इनकी छटपटाहट है, ये अपना बाल नोच रहे हैं और इनको पता चल गया कि मोदी जी को अगले 20 साल या भाजपा को आने वाले 20 साल तक हम लोग हरा नहीं सकते हैं। ये विपक्ष में रहने की अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनको और अच्छी रिहर्सल करनी चाहिए। संसद के मानसून सत्र को शुरू हुए 6 दिन हो चुके हैं और हर रोज सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है और अब कांग्रेस बीआरएस की तरफ से इसी मामले को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जबकि संसद में विपक्ष सत्ता पक्ष के सामने काफी कमजोर है। दरअसल एनडीए सरकार के पास अभी लोकसभा में 330 से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। अकेले बीजेपी के 301 सांसद हैं, वहीं विपक्षी खेमे यानी कि इंडिया गठबंधन के पास लोकसभा में 142 और राज्यसभा में 96 सांसद हैं। संख्या बल के हिसाब से दोनों सदनों में सत्ता पक्ष मजबूत है। बावजूद विपक्ष खुद पर सरकार को हावी होने का कोई मौका विपक्ष नहीं देना चाहता है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि मणिपुर मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बयान दें। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए विपक्ष पीएम मोदी को संसद में बुलाने की कोशिश कर रहा है। आज ये क्लियरली दिख रहा है ना कि भैया चर्चा कौन नहीं चाह रहा है, यही लोग नहीं चाह रहे हैं ना। आप भाई एक नियम में बांधेंगे, ये जिद है ना बच्चों की तरह कि आप उसको नियम में बांधना चाहेंगे। जैसे एक बच्चा बोलता है कि भाई मुझे सिर्फ यही ही खिलौना चाहिए, उसका कोई दूसरा रंग मिलेगा तो मैं नहीं लूंगा, तो नहीं चलता ना ऐसे। आप लोग सांसद हैं, सारे सम्मानित हैं, वरिष्ठ लोग हैं, सत्ता का अनुभव रखे हुए लोग हैं। कॉन्फिडेंस की बात करें, वैसे भी विपक्ष को तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं था, उनको 2014 से ही कॉन्फिडेंस नहीं है, वो 2018 में भी लाए थे। ये सदन का टाइम बर्बाद करते हैं भाई। नो कॉन्फिडेंस उस पे लाते हैं जहां आपको उनकी बहुमत की संख्या पे कोई शंका हो आपको। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार यहां जारी है, बने रहिए हमारे साथ। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।